पर और काफ़ी पॉपुलर डैम होटल और हॉस्पिटलिटी स्पेस से स्टार्टअप ओयो। अब हमें इटीनाउ स्वदेश को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ओयो ने सेबी से अपने आईपीओ अर्जी में कुछ बदलाव करने की इजाज़त मांगी है। ओयो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दो तिमाहियों का नया डेटा शामिल करना चाहती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं नयनतारा के पास। नयनतारा बताइए। हम आप सबके लिए आज एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं और ये है स्टार्टअप ओयो के बारे में। पिछले सितंबर ओयो ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रस्पेक्टस फाइल किया था मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ। अब हमें सूत्रों ने बताया है कि मई में ओयो ने चिट्ठी लिखी है सेबी को और ये पूछने के लिए कि और परमिशन लेने के लिए कि वो एक अडेंडम फाइल करें अक्टूबर या अक्टूबर के बाद। क्यों? क्योंकि ओयो की जो परफॉर्मेंस है, जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है कोविड के थर्ड वेव के बाद। हम सब रिवेंज ट्रैवल की बातें करते हैं, हमने सब वही फोटोज़ और वीडियोज़ और खुद देखा भी है कि एयरपोर्ट अब कितने भर चुके हैं, होटल रूम मिलना इतना मुश्किल हो चुका है, तो ओयो की परफॉर्मेंस बेटर हो चुकी है। और दोनों सेबी और ओयो को ये लगा कि सिर्फ ये दिखाने के लिए बस एक ही क्वार्टर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं सोचा कम से कम दो क्वार्टर के डेटा तो देना ही चाहिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को। तो शायद अब अक्टूबर या अक्टूबर के थोड़ी बाद ही एक रेंडम फाइल किया जाएगा ओयो से। जब परमिशन मिलेगी सेबी से, अप्रूवल मिलेगा सेबी को उस रेंडम से, तब उसी के बाद यह आईपीओ शायद दलाल स्ट्रीट में पहुँच सकता है। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है हमें और पिछले कुछ समय से ओयो के प्रदर्शन में जिस तरह से सुधार हो रहा है, ये अर्जी सेबी की तरफ से सेबी के पास ओयो ने मांगी है। अब देखना होगा कि सेबी का इस पर क्या फैसला निकल कर आता है।